हेलो सुखदेव पंडित जी कहाँ पर है? ये कोई अंग्रेजी की चाल तो नहीं? नहीं, पंडित जी ने मुझे यही मिलने को कहा था, भगत उनको मैं देख के आता हूँ। अपना नाम बताओ। एक क्रांतिकारी। अपना नाम बताओ वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। पंडित जी ये भगत है। अच्छा तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे साथ भगत भी आने वाला है, वरना अभी एक हिंदुस्तानी यही शहीद हो जाता। पंडित जी मैं इस देश की आजादी के लिए बना हूँ और इस देश की आजादी के लिए ही मर जाऊंगा। आजादी आजादी आजादी, आखिर तुम जानते क्या हो आजादी के बारे में? तुम्हारे जैसे लोग केवल आजादी के नाम पे नारे लगाना जानते हैं। तुम्हारे जैसे लोग कुछ करके नहीं दिखा सकते। पंडित जी आजादी इस देश का मनुष्य का अधिकार है और इसको पाने के लिए हमें अलग अलग नहीं एकजुट होकर लड़ना होगा। शाबाश, हमें तुम्हारे जैसे ही नौजवानों की तलाश थी। आओ हम अग्नि को साक्षी मानकर एक शपथ लेते हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। तुम मेरे साथ रहोगे और तुम लोग एक ही साथ एक ही जगह पर, हम दोनों एक ही जगह पर मिलेंगे। तुम लोगों को एकजुट होकर रहना है और तुम मेरे साथ रहोगे। अगर कोई दिक्कत, अगर कोई मतलब कोई चीज़ अगर वहाँ होती है तो तुम मुझे एक इशारा दोगे जिस कारण मैं तुम्हारे पास आऊँगा और उन अंग्रेज़ों को देख लिया जाएगा। पंडित जी लाला जी शहीद हो गए क्या? हाँ पंडित जी, जो हमारे सेनानी भाई उस समय का विरोध कर रहे थे तभी उन सेनानियों ने लाठी चालू का आदेश दे दिया और उन्हीं सेनानियों के बीच हमारे लाला जी भी शहीद हो गए। बात पंडित जी, इस बात का बदला हम उन गोरों से जरूर लेंगे, ईंट का जवाब हम पत्थर से देंगे। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? बात साफ है पंडित जी, उन्होंने लाला जी को मारा है खून के बदले खून, हम उस गोरे सामन को नहीं छोड़ेंगे। सही कह रहे सुखदेव, लेकिन ये करेगा कौन? मैं मारूंगा उन गोरों को। अरे इसे तो हमेशा मारने की पड़ी रहती है। मैं जानता हूँ कि तुम लोगों के अंदर उन गोरों के खिलाफ गुस्सा है, परंतु एक क्रांतिकारी को जोश से नहीं होश से काम लेना चाहिए। आलू वाले आलू ले लो, आलू वाले आलू ले लो, आलू वाले आलू ले लो। अलग निरंजन, आलू वाले आलू ले लो। अलग निरंजन बता बच्चा, तेरी क्या समस्या है? गोरे आ गए। देखो पंडित आ रहा है, उसे गोली से मार दो। चले जाओ यहाँ से, मैं हिंदुस्तानियों पर गोली नहीं चलाता। अभी आपने देखा बहुत बढ़िया नाटक चल रहा है, केवल आनंद लो। ये बच्चे आपको भूमिका बताएंगे आगे। यहाँ
कार्यक्रम माता की जय बंदे 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 इंकलाब 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 भारत माता की बंदे बंदे भारत माता की बंदे 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 इंकलाब 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 जिंदाबाद इंकलाब मारो इनको रुक जाओ यू ब्लेड इंडियन तुम हिंदुस्तानी हमारे कुत्ता में कोई फर्क नहीं तुम हिंदुस्तानी है सोचते देश आजाद हो जाएगा ऐसा नहीं हो सकता क्रांतिकारी बनेगा हाँ बनूंगा मैं क्रांतिकारी देश आजाद करवाएगा मैं देश आजाद करवाऊंगा क्रांतिकारी देश आजाद आगे देखते रहो कि अंग्रेज के चंगुल में हमारे क्रांतिकारी फंस गए हैं और ये किस प्रकार से और कैसे कैसे फांसी के फंदे पर जब फांसी का फंदा इन्हें होगा तो आगे देखना है क्या होता है पीछे बताएंगे बच्चे भगत सिंह को ऐसा नहीं करना चाहिए था भला कोई अपने हथियार दुश्मनों के आगे डालता है अगर गांधी जी चाहे तो भगत सिंह को फांसी लगने से रोक सकते हैं नहीं हमें ही उन्हें बचाना होगा और उसके लिए एक योजना बनानी होगी मैं देख चोले शिवाजी खेले अपनी जान पे से पहन
Yes, why not? भारत की आजादी आजादी रहन दीजिए जेलर साहब, ये तुम्हारे बस में नहीं है। बस एक काम करिए, हमारे हाथ खोल दीजिए। हम तीनों भाई आपस में गले मिलना चाहते हैं। खोल दो इनके हाथ। हेलो, अब आप लोगों के सामने ये शहीद वीर सुखदेव भगत सिंह, लाला लाजपत राय, राजगुरु, इनकी फांसी होने जा रही है। और देख लो जिसकी खुशी में आज हम लोग एकत्रित हुए यहाँ पर, इन्होंने कैसे अपने जान की बलिदानी दे करके, अपने सब कुछ को त्याग करके हमें तुम्हें आजाद